हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुप्रीत और आप देख रहे हैं बॉनिफाइड रिव्यूज़। यहाँ हम रिव्यू करते हैं नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, नए नए फूड रेस्टोरेंट्स, डेस्टिनेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम रिव्यू करेंगे एक स्क्रब का। ये इनवेदा कंपनी का स्क्रब है और ये मुझे मिला था अप्रैल मंथ के ग्लैमिगो बॉक्स में। इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रब है इनवेदा ब्रांड, इनवेदा का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डी टैन स्क्रब। इसे हम यूज़ करके अपनी टैनिंग रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके कुछ पर्टिकुलर्स आपको बताना चाहूँगी। ये है 50 ml इसकी क्वांटिटी है और इसका प्राइस है 180 rupees, और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 years, 3 साल। मतलब ये 3 साल तक प्रोडक्ट चलेगा, आपका एक्सपायर नहीं होगा, आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी कुछ खासियत आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये प्रोडक्ट इनवेदा का, इनवेदा के सारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट ये केमिकल फ्री होते हैं, SLS फ्री, पैराबिन फ्री, कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स इन ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करता है। इसका मतलब कि हमारी, अगर हम इस ब्रांड का कुछ भी यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे या हमारी हेल्थ पे कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। एक डिस्क्लेमर होगा यहाँ पे कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से खुद ये डिटेन स्क्रब खरीदा है। अब इसकी हम कुछ पॉजिटिव्स डिस्कस करेंगे। इसके पॉजिटिव्स हैं कि ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप एक बार के यूज़ में इस अपनी स्किन पे, अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से मेरी स्किन टैन थी, काफ़ी दिनों से इधर उधर आना जाना था तो बहुत टैन हो गई थी, बहुत डल टायर्ड स्किन थी। मैंने इसे कैसे यूज़ किया, इसे एक्चुअल में कैसे यूज़ करते हैं, इसे आप अपना फेस पानी से धो लीजिए, उसके बाद अपने फेस पे लगाइए, एक बहुत पतली सी लेयर लगा लीजिए, उसके बाद उसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए जस्ट ऐसे ही रखिए, एंड देन गीले हाथों से उसे आप स्क्रब कर लीजिए ऐसे गोल सर्कुलर मोशन में। फिर आप ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुने पानी या ठंडे पानी से भी आप उसे धो लीजिए, फिर आप ड्राई कर लीजिए अपना फेस, बस दैट्स इट। आपको कोई इसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स नहीं रखना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फेस वॉश की तरह है। बस आपको थोड़ा स्क्रब आउट करना है अपनी स्किन को। इसके पॉजिटिव्स होंगे कि ये इट मेक्स योर स्किन वेरी स्मूथ। इससे एक बार यूज़ करने के बाद आपको दिखेगा कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं, आपकी वो डल टायर्ड स्किन बहुत रिफ्रेश दिखने लगती है, आपकी सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ फेयरनेस, मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ गोरापन, मैं उस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, जो हमारी नेचुरल स्किन है वो थोड़ी हमें टायर्ड दिखने लगती है, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि बहुत टैनिंग होती है, वो थोड़ी डल हो जाती है। तो स्क्रब यूज़ करने से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गोरे हो जाएंगे, बट आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट सपल, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो नेचुरल इनर स्किन है वो ग्लो करेगी और निकल के बाहर आएगी। इस प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव्स होंगे कि इसके ग्रैनुल्स, इसके अंदर जो छोटे 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 दाने आपको दिखेंगे, ये कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल सॉलिड है। इसके अंदर जो दाने हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो अगर किसी को एक्ने है, किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, किसी को बहुत जल्दी चीज़ों का रिएक्शन होता है, तो हो सकता है उसके लिए ये स्क्रब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो दाने हैं, ग्रैनुल्स, वो बड़े हैं तो वो इरिटेट कर सकते हैं आपकी स्किन। सेकंड होगा कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही हर्बल है, बहुत जैसे जड़ी बूटियों की खुशबू होती है वैसी है, ट्रिगर कर सकती है ये आपका हेडेक, क्योंकि बहुत स्ट्रांग स्मेल है, माइल्ड नहीं है, बहुत एकदम आप इसकी डब्बी खोलेंगे और एकदम आपको हिट करेगी इसकी खुशबू। तो अगर आप सेंसिटिव हैं स्ट्रांग स्मेल से, अगर आप स्ट्रांग स्मेल नहीं ले पाते हैं, मेरी तरह माइग्रेन इश्यूज हैं, बीपी, हाई बीपी इश्यूज हैं, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसकी स्मेल से। बाकी मैं इसे रेट करूँगी 6 out of 10, 6, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, विदाउट एनी
SLS, पैराबिन, जो भी कंपनीज डालती हैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हैं। नेगेटिव होगा इसके ग्रैनुल्स, अगर थोड़े छोटे होते, थोड़े और बारीक होते तो बहुत बेटर होता। नॉर्मल स्किन के लिए ठीक है, लेकिन सेंसिटिव या एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये स्क्रब प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इसकी स्मेल, इसकी खुशबू थोड़ी माइल्ड होती, खुशबू अच्छी है, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सॉरी, दैट वाज एन एरोप्लेन, आई एम नॉट सेइंग कि खुशबू अच्छी नहीं है, खुशबू अच्छी है, लेकिन बहुत जोर से बहुत हिट करती है आपके नोज को, आपके फोरहेड को, एकदम से आप डब्बी खोलेंगे और आएगी। और स्पेशली आप जब लगाते हैं तो बहुत स्ट्रांग, आपकी थोड़ा मिंट है, और जैसे ही आप लगाएंगे आपकी स्किन पर एकदम ठंडा ठंडा टिकल करेंगे इसके पार्टिकल्स, एकदम कुछ आपकी स्किन पे फील होगा कि कुछ तो हो रहा है मेरी स्किन पे, कुछ टिकल कर रहा है, ठंडा ठंडा लगेगा आपको, तो वो एक इशू हो सकता है। और तो इट्स अ गुड स्क्रब, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डी टैन स्क्रब, अगर आपको गर्मियों के लिए कोई अच्छा, अगर आप DIY नहीं, यू डोंट बिलीव इन DIYs, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास आप में हमें एनर्जी नहीं होती है इतना सब कुछ घर में बनाने की, दही बेसन ये सब DIYs हम नहीं कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड स्क्रब टू यूज़। इसे आप रोज़ यूज़ ना करें। इस स्क्रब को सिर्फ एट द मैक्सिमम आप हफ्ते में एक ही बार यूज़ करें, ज़्यादा बार यूज़ करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, देखते रहिए बॉनिफाइड रिव्यूज। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्लीज ना भूलें कि सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को आप प्लीज क्लिक करें, आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगी, टिंग टिंग आएगा आपको। और प्लीज मेरा वीडियो देखिए एंड स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।